संडे स्पेशल में आपका स्वागत है। जीवन एक संघर्ष है, ये हर कोई जानता है। लाइफ इज स्ट्रगल। कुछ लोग इस संघर्ष के साथ मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, तो कुछ लोग भाग पे विश्वास करते हैं। जीवन के इस संघर्ष में रत्न का क्या महत्व है? भाग्य रत्न क्या है? जीवन रत्न क्या है? आइए इस बारे में जानते हैं। हमारे साथ प्रसिद्ध ज्योतिर्विद पंडित विंध्याचल लाल देव जी जुड़े हुए हैं। आइए उनका अभिवादन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं और उनके अनमोल वचनों को सुनते हैं। बाबा आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद बाबा। जीवन एक संघर्ष है, कई लोग इस संघर्ष में तरक्की करना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं अपने संघर्ष भरे जीवन में। कुछ लोग भाग्य के भरोसे भी रहते हैं। क्या सही है, क्या गलत है? जीवन रत्न क्या है और भाग्य रत्न क्या है, थोड़ा इसे प्रकाश करें। देखिए, आपने इंद्रसेन जी इसमें तीन चार बहुत इम्पोर्टेंट बात कह। जीवन में संघर्ष है और सफलता पाने की इच्छा हर कोई रखता। फिर आपने कहा कि वो सफलता पाने में रत्न का क्या योगदान। फिर इसमें आपने कहा कि जीवन रत्न क्या है और भाग्य रत्न क्या है। देखिए, जीवन तो संघर्षमय होता ही है और इसी संघर्ष पर जो विजय प्राप्त करता है उसका व्यक्तित्व सफल व्यक्तित्वों में गिनती की जाती है। लेकिन एक बात समझना है, संघर्ष करना और सही दिशा में संघर्ष करना दोनों में बड़ा अंतर है। आप संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष करते करते आप थक जाते हैं, अपना जीवन भी समाप्त कर देते हैं, फिर भी दूर दूर तक आपको सफलता का कहीं स्वाद नहीं सीखने को मिलता। इसका मुख्य कारण है कि आप सही दिशा में संघर्ष करें। हर व्यक्ति का जन्म किसी खास उद्देश्य के लिए होता है और इसकी जानकारी जब तक आप नहीं ले लेंगे तब तक आपका संघर्ष सही नहीं होगा, विफल होगा। और इसकी जानकारी आपको किसी ज्योतिर्विद के माध्यम से ग्रहों के ज्ञान के द्वारा ही इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। चाहे ग्रह की गणित से प्राप्त करें या किसी ज्योतिर्विद के माध्यम से चेहरा देख करके करें या हस्तरेखा के द्वारा करें, जैसे भी करें, वो किसी के द्वारा आपको जानकारी लेना है और उस दिशा में संघर्ष करना है। अब कोई भी संघर्ष आप करते हैं तो उसमें बहुत तरह के विघ्न बाधाएं आती हैं और उन विघ्न बाधाओं को परास्त करने में जो चीज मददगार हो उसका सहयोग तो अवश्य लेना चाहिए। जैसे उपग्रहों के कुप्रभाव को विनष्ट करने में रत्नों का बहुत बड़ा योगदान होता है, ये पहले बात जानते हैं। जब आप कोई संघर्ष करने चलते हैं और वो संघर्ष की सफलता पाने में आपको तरह तरह के विघ्न बाधाएं उत्पन्न हो रहा है, तो आप उसमें जिस ग्रह के द्वारा आप पर विघ्न का प्रभाव पड़ रहा है उस प्रभाव को समाप्त करने के लिए आप रत्न का सहयोग अवश्य लें। जैसे कोई बच्चा पढ़ने में
अगर उसको समझ में नहीं आती है, मैथ बना रहा है, फिजिक्स पढ़ रहा है, इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है और वह काफी मेहनत कर रहा है, फिर भी उसको जो समझ में आनी चाहिए वो नहीं आ रही है, तो वो किसी संस्था के माध्यम से या किसी टीचर के माध्यम से उसे समझ लेता है, फिर उसमें सफल हो जाता है। तो आप देखते हैं, तो उसी तरह से आपको अब ये जानना है कि आपका कौन सा रत्न जो है वह जीवन रत्न होगा और कौन सा रत्न भाग्य रत्न होगा। देखिए, जीवन रत्न जानने के लिए जिसको लाइफ स्टोन कहा जाता है, उसमें दो चीज का आपको, किसी भी ज्योतिर्विद को दो चीज का सहयोग लेना है। एक तो न्यूमरोलॉजी का सहयोग लेना है। न्यूमरोलॉजी में 1, 2, 3, 4, 5 जो अंक है वो सभी अंक किसी न किसी ग्रह से जुड़ा हुआ। जैसे 1 मूलांक जो है, 1 है वह सूर्य का हुआ, 2 चंद्रमा का हुआ, 3 बृहस्पति का हुआ, 4 राहु का हुआ। इस तरह से सभी अंकों को किसी न किसी ग्रह से जोड़ा गया, ये पहला बात है। अब मान लीजिए कि आपके, अब इसमें जैसे जीवन रत्न आपका सिंह लग्न है और आपका जन्म भी 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को है, तो आप पहला बात जान लीजिए कि आपका जो जीवन रत्न होगा वह सूर्य का रत्न होगा, मानिक, ठीक ना। उसी तरह से आपको ये देखना है, किसी भी ज्योतिर्विद को न्यूमरोलॉजी के साथ ले करके और तब आपको उसके ग्रहों के लग्नेश को और अन्य ग्रहों के प्रभाव को देख करके तब उसका सहयोग लेना है। और वह जीवन रत्न जब आप धारण करेंगे तो आपके जीवन में लॉन्जिविटी, दीर्घायु और शारीरिक कष्ट, इससे मुक्ति और सही दिशा में कार्य करने की प्रेरणा मिलती है और जो भी विघ्न है वो अपने आप आपके मन द्वारा उधर खिंचाव समाप्त हो जाएगा, वो विघ्न से आप बचते रहे। तब रहा कि भाग्य रत्न कौन है। भाग्य रत्न के लिए कुंडली में आपको देखना है कि आपका भाग्य का कारक कौन हुआ, नौमेश कौन है और पंचमेश कौन है। जो भी ग्रह पंचम स्थान में स्थित हो उस ग्रह को भाग्य कारक को रत्न मानना चाहिए और उसको धारण करना चाहिए, वो आपके जीवन में बहुत सहयोग। ये तो हो गया कि जीवन रत्न और भाग्य रत्न के बारे में बता दिया आपने, लेकिन एक सवाल अभी भी है कि संघर्ष सही दिशा में, संघर्ष गलत दिशा में। अगर वो अज्ञानी व्यक्ति को पता ही नहीं चलता, अगर जीवन बिता दिया और सफल नहीं हुआ, तो नेचुरली है कि वो संघर्ष सही दिशा में नहीं कर रहा, लेकिन उसका आभास भी उसको नहीं हुआ, तो ये आभास कैसे होगा। ये तो उसको इसके लिए कि बार बार हम प्रयास कर रहे हैं और नहीं मिल रहा है सफलता, उसका तो प्रयास करना धर्म है। पहला बात समझिए, कोई काम के लिए हम बार बार पढ़ रहे हैं फिर भी हम फेल हो जा रहे हैं, तो हमको इस बात की चिंता तो होगी ही, और इसके लिए तो हमको किसी योग्य शिक्षक के पास जाना होगा कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं क्यों मैं फेल हो जा रहा हूँ, कहाँ पर हमसे कमी हो रही है। तो इसका पॉइंट आउट तो वो टीचर ही करेगा ना, शिक्षक ही करेगा। उसी तरह से जीवन की सफलता में अगर कोई बार बार
असफल हो रहा है तो उसे किसी ज्योतिर्विद से अवश्य मिलनी चाहिए और मिल करके ये उसको ज्ञान लेनी चाहिए कि किस कारण से हम सब परिश्रम करते हुए भी, संघर्ष करते हुए भी असफल हो रहे हैं, कहां पर हम में त्रुटि हो रही है, जरा सा इसका विचार किया जाए। कुछ लोगों में ये भी होता है कि उन्होंने चयन कर लिया किसी मार्ग का, हमको यही करना है, हमको यही बनना है, और संजोग उनका साथ नहीं दे रहा है। हाँ, फिर वो ये बात है कि उनके प्रतिकूल ग्रह जब हावी है उन पर तो गलत दिशा का चुनाव हो जाएगा। तो फिर कैसे बचे आदमी? उसके लिए मैंने कहा था कि इसके लिए आपको तो किसी ज्योतिर्विद से मिलना ही पड़ेगा। अभी अभी आपसे मिलने के पहले एक गार्जियन आए थे और वो बच्चा की राहु की दशा चल रही थी, उसके कुंडली में राहु सप्तम स्थान में बैठा था और लग्न को देख रहा था। हमने उससे पूछा, हमने कहा कि क्या तुमको चिकित्सक बनने की इच्छा है, डॉक्टर बनने की इच्छा है? कहा कि नहीं, हमको कंप्यूटर मैंने इंजीनियर बनने की इच्छा है। हमने कहा कि देखो, इसमें इंजीनियर बनने का जोग नहीं, तुम प्रयास करोगे, संघर्ष करोगे, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिलेगी। जबकि इतना उसको ये है कि साइंस पेपर में अच्छा नंबर आ रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में उसका अच्छा नंबर है, 88% नंबर है, जबकि मैथ में उसको 50% से नीचे नंबर है, फिर भी वो पकड़े हुए हैं, तो क्या करें? इसलिए कि राहु चल रहा है, उसका उल्टा सोच रखेगा तभी तो वो सफल नहीं होगा और राहु अपना प्रभाव दिखाएगा। नहीं, राहु से बचने के लिए क्या करना चाहिए इंसान? वो तो मैंने उसको बताया कि राहु प्रतिकूल समय के लिए, प्रतिकूल ग्रहों को विफल बनाने के लिए जो रत्न, जो जाप, जो दान बताया गया है उसको करना होगा। तो जीवन रत्न और भाग्य रत्न के बारे में बाबा आपने बताया, बहुत ही अच्छी तरह से समझाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जीवन रत्न और भाग्य रत्न के बारे में आपने जान लिया, समझ लिया, तो हट मत कीजिए, हटी मत बनिए। बच्चों के भविष्य के साथ तो खास करके हट मत कीजिए और ना ही बच्चे हट करें। अगर आप विश्वास करते हैं ज्योतिष शास्त्र पे, तो एक बार आधे घंटे के लिए समय निकाल करके जो अच्छे ज्योतिर्विद हैं उनसे आप संपर्क कीजिए। अगर आप बाबा से मिलना चाहते हैं तो उनका नंबर वीडियो में डिस्प्ले हो रहा है, आप चाहे तो उस नंबर पे कॉल करके इनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। तो इनसे का नमस्कार, जय हिंद।